जय हिंद साथियों, जय हिंद सभी को। आज काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है भाई आपकी, है ना। बिल्कुल परसेंटेज लाइव कर दिया आज आपका, मैथ्स तो आज से लाइव कर दिया है भाई। बिल्कुल क्लास लाइव कर दी गई है आपकी। अब सारी की सारी क्लासें आपकी लाइव क्लासें ही होगी, जो हमारे एप्लीकेशन पे जो कोर्स आपने परचेज किया है। बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको मेहनत करवाऊंगा यहाँ पर, और काफ़ी समय से मैं आपको YouTube पे क्लासें दे रहा था, फ्री में भी और कॉस्ट ऑफ प्राइस में भी। बिल्कुल आप बने रहिएगा, अच्छे से क्लास कंटिन्यू करेंगे हम आज अच्छे से। देखिएगा, सबसे पहले हम आज शुरुआत करेंगे परसेंटेज। क्या करेंगे भाई? परसेंटेज से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बेसिक है। देखो, परसेंटेज है वो अंकगणित की जान होती है। परसेंटेज अंकगणित की जान होती है, इसके बिना आप अंकगणित नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले मैं आप कहूंगा कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रतिशत का सिंबल क्या होता है। तो आप कहोगे सर प्रतिशत जहां पर भी दिखेगा उसका मतलब हम समझेंगे कि एक में 100 का भाग लगा दिया। प्रतिशत जहां पर भी लिखा है मतलब 100 का भाग आपको लगाना होता है। आप कहोगे सर ये कौन सी बात कह दी मैंने? कहा बिल्कुल सही कहा मैंने कि जैसे ही 20% कहीं दिया है तो 20% का मतलब है वो कितना? 20/100 है, यानी यहां से हमारा जो बनेगा वो 20/100 यानी 1/5 है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि 20% हमारा कितना? 1/5 है। अगर मैं आपके सामने कहीं पे भी ऐसा 40% लिख देता हूं तो 40% का मतलब है वो यहां से 40/100 करेंगे, 40 का भाग 100 में देंगे तो यहां से 2/5 हमारा आंसर आएगा। तो देखिएगा बहुत ही अच्छे से मैंने जो आपको यहां से बताया है अंकगणित, 40% 20% प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत जहां पर भी दिखे मतलब 100 का आपको भाग लगाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर जी। अच्छा, तो देखिएगा यहां से अब नेक्स्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखो, आपने जो सीखा है वो क्या सीखा है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा है। प्रतिशत को क्या सीखा है? भिन्न में बदलना आपने इसे सीख लिया। थोड़ी वॉइस में आज दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, आप निश्चित रहो, धीरे 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 बढ़ता जाएगा कारवां, है ना। बिल्कुल अभी 1340 लोग लाइव है एप्लीकेशन पे, बहुत बढ़िया सभी। देखिएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है, अगर संख्या के साथ, जैसे मैं आपको वहां एग्जांपल दिया था एक्स प्रतिशत दे देता हूं मैं, एक्स प्रतिशत कहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि वो एक्स प्रतिशत नहीं, वो एक्स बटे कितना है 100, क्योंकि मैंने आपको प्रतिशत का सीधा साधा मतलब बता दिया 1/100। प्रतिशत का मैंने सीधा आपको मतलब क्या बता दिया? 1/100 बता दिया। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि 30% कितना होगा तो 30% होगा भाई 30/100 होता है, 30% होगा मेरा 30/100, 0 से 0 काट दूंगा, ऊपर 3 नीचे 10, ये था अपना। अब सेकंड में जो देखो, यहां से जो आप सीखते हैं प्रतिशत में, वो है कि अगर ऐसा प्रतिशत आपसे पूछ लिया जाए 16 से ही 2/3% कितना होता, तो ये वैल्यू आपको याद भी रखनी है और इसके साथ में इसको कैसे निकालते हैं वो भी देखना है। तो हमेशा ध्यान रखना है इसी वैल्यू को, 16 को 3 से गुणा करो 48 और 2 जोड़ो उसमें कितने 50, 16 3 48, 2 50/3 प्रतिशत हटाओगे, मैंने कहा था जैसे ही प्रतिशत हटाओगे 100 का भाग तो लगना ही लगना है। ऊपर देखिएगा, ऊपर 1 नीचे 3 × 2 6, यानी आगे से जब भी आगे 16 से ही 2/3% मिले सीधा बता देना कि भाई आंसर तो 1/6 होगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर आपको पूछे कि 12.5% के बारे में बता दो भाई, 12.5% के बारे में बता दो, आप कहोगे सर 12 को 2 से गुणा करके प्लस 1 कर देते हैं तो 24 और 1 कितना भाई? आप कहोगे 25/2, और जैसे ही प्रतिशत हटाओगे भाग किसका लगा दोगे? 100 का भाग आप यहां से लगा दोगे। अब 25 से 100 कैंसिल कर दोगे, 4 बार ऊपर 1 नीचे 4 दुनी कितनी 8, आपने बता दिया कि 12.5% कितना होता है भाई? 1/8 होता है, 12.5% अपना 1/8। इसी तरह अगर आपको 25% की वैल्यू पूछ ले तो मैंने कहा था ना कि बस सीधा 100 का क्या लगा देना, भाग लगा देना, 25/100 भी मेरा कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, राम राम। तो समझे इस बात को आप लोग सभी। तो नेक्स्ट देखिएगा आपका 16 से ही, अब अगर मैं आपको पूछ लिया जाए कि 14 से ही 2/7%, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि 14 से ही 2/7% वैल्यू में कितना होता है, 14 से ही 2/7% वैल्यू में कितना होगा? तो मैंने वही जो तरीका आपको बताया है कि 14 से ही 2/14 को 7 से गुणा कर लेना 98 और 2 जोड़ देना 100/7, और मैंने कहा कि जहां पर भी आपको प्रतिशत दिखे भाग किसका लगा देना है? 100 का लगा देना है, 0 से 0 काट के ऊपर 1 नीचे 7, 1/7। जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया भाई, बहुत बढ़िया, 1/7 लाइन लगी है आंसरों की, सारे के सारे विद्यार्थीगण 1/7 आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भाई। नेक्स्ट देखिएगा, अगर 14 से
सही 2/7% के बाद में अगर हम बात करें सीधी सीधी तो वो बात करते हैं 6 सही 1/4% पर। एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा कि दो फ्रैक्शन मैंने और दे दिया आपको, इसको मिसर बिन बोलते, ये मिसर बिन का प्रतिशत रूप है, इसको भिन्न रूप में बदलिएगा तो देखते हैं आप में से कैसे कैसे लोग बदलते हैं। 6 सही 1/4% और 6 सही 2/3% आपके सामने अभी भी दो ऑप्शन है, तो देखता हूं कि देखते हैं पहले आप में से कौन आंसर दे पाता है अभी। बहुत बढ़िया, एक बंदा आंसर दे रहा है, ऊपर वाले का दिया है 1/16 और नीचे वाले का दे रहा है 1/15, बिल्कुल सही दिया भाई। देखो 6 को 4 से गुणा करो, 24 और 1 जोड़ दो, कितना 25/4, और जैसे ही प्रतिशत हटाओगे भाग किसका लगा दोगे, 100 का लगा दोगे, प्रतिशत हटाते ही 100 का भाग लगाओगे। अब यहां से आप कहोगे कि 25 के पहाड़े से 100 कितनी बार, 4 ऊपर 1 नीचे, 4 × 4 कितना भाई अपना 16 हो जाएगा। इसी तरह अगर 6 सही 2/3% के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर 6 × 3 = 18 और 2 कितना 20/3 करोगे, प्रतिशत जहां पर भी दिखे मतलब 100 का भाग लगा दो, प्रतिशत जहां पर भी दिखता है 100 का भाग लगा दो। सीधा सीधा आप कहोगे 20 से 100 काट दो सर, 1/5 हमारा 1/3 × 5 = 15 आंसर हो जाएगा। जो भी 1/16 और 1/15 बता रहा था बिल्कुल सही बता रहा है भाई, 1/15 1/16 अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट अगर आपके सामने एग्जांपल रख दूं मैं 8 सही 1/3% के बारे में, 8 सही 1/3% रख दूं, नेक्स्ट 11 सही 1/9% रख दूं और इससे अगला 9 सही 1/11%, अगर तीन फ्रैक्शन में आपको और दे दूं तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया फ्रैक्शन है, बहुत ही बढ़िया शानदार से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल, कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने प्यारे प्यारे देखना, बस पूरा करके मैं दिखलाऊंगा, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। उसी तरह से तो 8 सही 1/3% आप कहोगे 24 और 1 कितना 25/3, और जैसे ही प्रतिशत हटाओगे आपको पता है नीचे 100 भी लगाओगे तो 25 × 4 = 100, ऊपर 1 नीचे कितना 4 × 3 = 12, 1/12 होता है अपना 8 सही 1/3%। नेक्स्ट देखिएगा 11 × 9 = 99 और 1 करोगे 100/9, मैंने कहा था ना कि प्रतिशत दिखे तो 100 का भाग लगा देना, प्रतिशत ना दिखे तो 100 से गुणा कर देना, तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही कहा था, और यहां से 100 से 100 आपने काट दिया, ऊपर 1 नीचे 9, आगे से ध्यान रखना कि जो पीछे लिखा होता है 1/9 ही वही आंसर बन जाता है 11 सही 1/9% का। अगला 11 × 99 एक 100/11 हो जाएगा और आपको पता है प्रतिशत दिखेगा तो 100 का भाग भी लगाएंगे और ऊपर और नीचे अपना 1/11 आंसर लेके आ जाएंगे, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख दूं 33 सही 1/3% का और 66 सही 2/3% का, अगर इसको मैं कहता हूं कि नहीं भाई यहां से प्रतिशत हटाओ, तो मैंने कहा था जिस संख्या के साथ प्रतिशत दिखता है उसमें 100 का भाग लगा दो, जिसमें संख्या में प्रतिशत निशान नहीं दिखता है उसमें 100 से गुणा कर दो, तो देखिएगा 33 × 3 कितना 99 और 100/3 करोगे और जैसे ही प्रतिशत दिखता है 100 का भाग लगा दोगे, 0 से 0 कैंसिल करके 1/ कितना बता दोगे 1/3 आंसर बता दोगे। नेक्स्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि 66 सही 2/3% आप कहोगे सर पीछे वाला आंसर बिल्कुल याद रख सकते हो, लेकिन 66 × 3 198 और 2 जोड़ोगे तो 200/3 बनेगा और जैसे ही प्रतिशत दिखेगा 100 का भाग तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, ऊपर 2 नीचे 3 अपना आंसर कितना भाई 2/3। अरे कर सकते हो ना आसानी से, बिल्कुल आप बहुत ही कम समय में इसका आंसर कर सकते हो। आगे से याद रखना कि 33 और 66 के जो पीछे वैल्यू लिखी होती है फ्रैक्शन में वही इनका आंसर होता है भिन्न रूप में। अगला आपको तो ये आपने सीखा है आज, जो आपने सीखा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिया, प्रतिशत को किस में बदलना सीख लिया, भिन्न में बदलना सीख लिया, और अपनी नोटबुक में एक अच्छा सा नोट डालना कि जिस संख्या के साथ प्रतिशत का निशान दिखे उसमें 100 का भाग लगाएंगे, जिसमें प्रतिशत का निशान नहीं दिखेगा उसको 100 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज पहला नोट आपको डलवा के लिख रहा हूं प्रैक्टिस करवाने के बाद, कि जिस संख्या के साथ प्रतिशत का निशान दिखे, जिस संख्या के साथ प्रतिशत का निशान दिखे उसमें 100 का भाग लगा देंगे, उसमें क्या करेंगे भाई 100 का भाग लगा देंगे, कितने का भाग लगा दोगे 100 का भाग लगा दोगे, है ना। जिस संख्या के साथ प्रतिशत का निशान दिखे उसमें कितने का भाग लगा देना है, आप कहोगे बिल्कुल सर आपने सही कहा 100 का भाग लगा देना है। कैसे, जैसे एक्स था, एक्स के साथ प्रतिशत दिखता है मतलब एक्स बट्टे कितना है 100 है, मैंने एग्जांपल दिया था 20% 20/100 है, कितना है 20/100, काट पीट के कितना लाओगे 1/5 लेके आ जाओगे। नेक्स्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था 16 सही 2/3% का,
बिन का कौन सा रूप है? आप कहोगे सर मिसर बिन है, पहला काम क्या है सरल बिन में बदलना है सर, तो 16 × 3 = 48 और 2 कितना 50/3 करोगे, प्रतिशत का मतलब आपको पता है नीचे 100 आ जाता है, 50 से 100 ऊपर 1 नीचे 6, अपना आंसर कितना भाई 1/6 का 6 अपना आंसर हो जाएगा, तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, तो भाई बहुत जल्दी जल्दी इनके आंसर आपको दे देना है, निश्चित रहो है ना, सफलता आपके बहुत कदम है ना, कहीं ऐसे ना हो कि सफलता कदम चूके चली जाए क्योंकि आपने फ्रैक्शन नहीं सीखी हो। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे कि किसी संख्या के साथ प्रतिशत का निशान नहीं दिखे, किसी संख्या के साथ अगला हम देखेंगे, किसी संख्या के साथ अगला नोट लिखना कि किसी संख्या के साथ प्रतिशत का निशान नहीं दिखे, प्रतिशत का निशान नहीं दिखे, किसी संख्या के साथ प्रतिशत का निशान नहीं दिखे तो उस संख्या को 100 से गुणा करके, उस संख्या को क्या करोगे 100 से गुणा, वहां भाग करते थे यहां 100 से गुणा करके उसके साथ प्रतिशत का निशान लगा देते हैं, उसके साथ किसका निशान लगा दोगे, प्रतिशत का निशान लगा दोगे, प्रतिशत का निशान लगा देंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि जिस संख्या के साथ प्रतिशत दिखेगा 100 का भाग लगा देंगे और जिस संख्या के साथ प्रतिशत का निशान नहीं दिखेगा उसको क्या कर देंगे 100 से तो गुणा कर देंगे और साथ में क्या लगा देंगे प्रतिशत। आप कहोगे सर कहना क्या चाहते हो, तो कहना मैं ये चाहता हूं कि क्या इस एक्स के साथ प्रतिशत है क्या, आप कहोगे नहीं है सर, तो अगर मुझे इसको प्रतिशत में लिखना है, इसका प्रतिशत रूप लिखना है, तो मुझे इसको 100 से गुणा भी करना पड़ेगा और साथ में इसके क्या लगाना पड़ेगा प्रतिशत भी लगाना पड़ेगा, यानी x को आप 100x प्रतिशत भी लिख सकते हो, x को क्या लिख सकते हो 100x प्रतिशत भी लिख सकते हो। दूसरा मैं कहूं कि सर मेरे पास तो 1 है और 1 को मुझे प्रतिशत में लिखना है, तो आप तो वही जानते हैं कि 1 के साथ प्रतिशत नहीं लगा है, मतलब 1 को 100 से गुणा भी करना पड़ेगा प्रतिशत भी लगाना होगा, तो 1 प्रतिशत में कितना होता है 100% होता है अपने आप में, हर संख्या जैसे ये मार्कर ले रखा, हर संख्या अपने आप में 100% और संख्या में 1 होती है, प्रतिशत में 100 और संख्या में क्या होती है 1 होती है, तो यही मैं आपको यहां से बताना चाहता था। तो इस सूत्र से, इस लाइन से आप जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि बिन को प्रतिशत में बदलना, उल्टा बिन का मतलब फ्रैक्शन, बिन का मतलब क्या है यहां से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज रूप में बदलना, प्रतिशत रूप में बदलना, आप यहां से सीख रहे हो भाई प्रतिशत रूप में बदलना, बिल्कुल ये था भाई। तो देखिएगा अब बिन को प्रतिशत रूप में कैसे बदलोगे, फ्रैक्शन को प्रतिशत रूप में कैसे बदलोगे वो देखिएगा। तो अगर मैं कहीं से भी आपको कहता हूं कि यहां से मैंने जैसे लिख दिया 1/5 और आपको कह दिया कि 1/5 का प्रतिशत रूप लिखो, कौन सा रूप लिखो प्रतिशत रूप लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे सर हम तो एक ही बात जानते हैं कि इसके साथ प्रतिशत का निशान नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो 100 से गुणा करेंगे सर, नहीं दिख रहा तो किससे गुणा करेंगे 100 से और साथ में लगा देंगे प्रतिशत, आंसर आ जाएगा 20%, 5 से 100 में भाग लगा दिया 20 बार, आंसर आ गया अपना 20%। अच्छा वॉइस प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, अच्छा अच्छा एक बार चेक करता हूं, रीचेक करता हूं वॉइस का, तो अभी देख लेते हैं। हेलो हेलो, अच्छा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगी वॉइस, आज दिक्कत होगी थोड़ी सी, कोई ना। ये था आपका 1/5 20%। अगला मैं अगर आपको कह देता हूं कि नहीं भाई मुझे तो 1/4 का प्रतिशत रूप बता, 1/4 आपको तो एक ही लाइन मैंने बताई कि प्रतिशत का निशान नहीं दिख रहा, 100 से गुणा करो और प्रतिशत लगा दो, यानी कितना परसेंट होता 25%, किसके बारे में जान रहे थे 1/4 के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं भाई मुझे तो 1/7 के बारे में बता, किसके बारे में बता 1/7 के बारे में बता, तो कैसे बताओ। गुड इवनिंग अंकुश दुधवार कह रहा है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग है ना। तो देखिएगा 1/7, अब आपको कहोगे प्रतिशत का निशान नहीं है तो इंटू कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, 100 में 7 का भाग आप कहोगे 14 बार, पूरा चला जाएगा, 2 से शेषफल बच जाएगा, बटे में 7 आ जाएगा, 14 से ही 2/7% हो जाएगा, समझे इस बात को आप लोग, 14 से ही 2/7% आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप 1/8, और 1/8 का अगर मैं कह देता हूं भाई प्रतिशत रूप लिखो, 1/8 का कौन सा रूप लिखो प्रतिशत रूप लिख दो, तो कैसे लिखोगे भाई 1/8 का प्रतिशत रूप, बिल्कुल एक बार अंकुल माने कुणाल गणेश सारे के सारे एक बार कमेंट करना, देखे कैसे लिखते हो तुम लोग। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश शाबाश। तो देखिएगा 1/8 का प्रतिशत रूप लिखो, यानी 1/8
अब प्रतिशत में बदलना है तो इंटू कितना कर देना है, 100 कर देना है, और साथ में क्या लगा देना है, प्रतिशत लगा देना है। तो यहां से 25/2 करोगे यानी अपना आंसर कितना आ जाएगा, 12.5% यहां से आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें 1/8 को बदलना था, 1/8 के साथ प्रतिशत का सिंबल नहीं लगा था, इसलिए हमने सीधा कर लिया। नेक्स्ट आपको मैं सिखाता हूं, नेक्स्ट यहां से मैं और सिखाऊंगा आपको कि 1/16 के बारे में मुझे बताओ, 1/16 का प्रतिशत रूप बता दो भाई, 1/16 का कौन सा रूप बता दो, प्रतिशत रूप बता दो, और बताओ देखे सभी 1/16 का प्रतिशत रूप। बिल्कुल सर, वो इस प्रॉब्लम देखो 1/16 आपको तो एक ही लाइन की इसके साथ प्रतिशत का निशान नहीं दिख रहा, तो प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 से गुणा करके उसके साथ में प्रतिशत का निशान लगा देंगे। अब आपको 100 का भाग 16 में कितनी बार, या तो 4-4 से काट लो भाई, 4-4 से काटोगे तो ऊपर तो बचेगा 25, नीचे बचेगा 4, और वो भी किस में रहेगा, प्रतिशत में। अब देखो भाई 4-6 24 एक शेष पल और बट्टे में 4-6 सही 1/4% अपना आंसर हो जाएगा, 6 सही 1/4% अपना आंसर हो जाएगा भाई। आंसर दीजिएगा सभी लोग, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। अगला आप कहोगे 1/15 को प्रतिशत में लिखिएगा, 1/15 का प्रतिशत रूप लिखिएगा, प्रतिशत रूप में लिखो, देखे बताओ देखे भाई प्रतिशत रूप में कैसे लिख पाओगे इसको 1/15 को, 1/15 का अगर प्रतिशत रूप आपको बनाना हो तो कैसे बनाओगे, शाबाश। देखो इसके साथ प्रतिशत का निशान नहीं दिख रहा, अगर प्रतिशत का निशान नहीं दिख रहा तो 100 से गुणा करके क्या लगा दो, इसके साथ प्रतिशत लगा दो, 5-5 के पहाड़े से दोनों को काट दो, ऊपर 20 बचेगा नीचे 3, 20/3%। अब आप कहोगे सर इसका मिसर बिन कैसे बनाओगे, तो देखो मैं मिसर बिन बनवाना भी आपको सिखाता हूं कि 20/3 करोगे, 3 का भाग 20 में 6 बार तो पूरा पूरा, इसको बोलते हैं 6 सही, क्या बोलते हैं, 6 सही बोलते हैं इसको, कि 6 तो पूरा है सही है, यानी यहां से 18, अब शेष पल कितना बचा 2, इस 2 शेष पल के नीचे 3 लगा देते हैं, यानी 6 सही, इसको 6 सही, और यहां पर 2 और नीचे बट्टे में कितना 3, यानी 6 सही, 2/3% अपना यहां से आंसर होता है रियल में, ये 6 सही 2/3% अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि 1/12 का प्रतिशत रूप लिखो भाई, 1/12 का प्रतिशत रूप लिखना है, तो देखो देखे आप में से देखता हूं सबसे पहले कमेंट कौन करता है 1/12 का प्रतिशत रूप, 1/12 का अगर प्रतिशत रूप लिखोगे तो कैसे करोगे भाई, 1/12 तो था ही था साथ में, अब आप कहोगे प्रतिशत का निशान लगाना है सर, लगाना है तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, 4-4 के बाड़े से काटने पर 25 बार, और 4 के बाड़े से काटने पर 3 बार, 25 का 3 में भाग देने पर 8 सही, कितना भाई 1/3% अपना आंसर आ जाएगा, 8 सही 1/3% अपना आंसर आ जाएगा, बिल्कुल यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिएगा ये था हमारा प्रतिशत का बेसिक, आज हमने शुरुआत की, कल और लंबी ले जाएंगे क्लास को बिल्कुल, कल में हम बड़ी बड़ी फ्रैक्शन का प्रतिशत रूप निकालना सीखेंगे और उसके बाद में सीट के क्वेश्चन करेंगे कुछ, ठीक है। जय हिंद जय भारत सभी को, और आज शाम को यूट्यूब की क्लास भी है रात 8 बजे, तो उसमें भी आप जरूर आइएगा। जय हिंद जय भारत।